आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेशियल शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा निखार लेकर आएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आपके स्किन पे आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पके हुए केले से फेशियल करके मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत ही अच्छा फेशियल है। आपका जो पार्लर में जो महंगे महंगे फेशियल कराते हो वो सारे के सारे फेल होने वाले हैं और आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो करने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे फेशियल करना है स्टेप बाय स्टेप, और इस फेशियल को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसमें दो तीन चीज़ों को आपको ऐड करना है और आपका फेशियल जो है बन के रेडी हो जाएगा। क्या करना है, एक पका हुआ केला ले लेना है और उसको आपको हाफ कट कर लेना है, ठीक है। आपको पूरा एक केला नहीं डालना है पका हुआ, आपको उसको हाफ कट कर लेना है। और हाफ कट करने के बाद उसके छिलके को आपको अच्छे से निकाल लेना है, और आपको छिलके को अच्छे से निकालना है। आपको छिलका जो है इसका फेंकना नहीं है, आपको रखना है। और ये थोड़ा सा पक गया है ज्यादा, आपको पूरा पका हुआ ही केला चाहिए, पका हुआ ही केला आपको लेना है। आपको ऐसे करके इसको पीस पीस में कट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने केले को अच्छे से पीस पीस में कट कर लिया है, और आपको इससे बहुत ही अच्छा फेशियल करना सिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छा फेशियल है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आपको बताऊंगी कि आप इसके केले के जो छिलके हैं इससे आप कैसे अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इसको अच्छे से पूरा का पूरा इसको मिक्स कर लेना है, एकदम पेस्ट बना लेना है आपको। और इसको पेस्ट बनाने के बाद इसमें दो तीन चीज़ों को आपको ऐड करना है और आपका फेशियल जो है बनके रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्पून से ही मैंने इसको एकदम पेस्ट बना लिया है। मैं ऐड करूंगी दो तीन चीज, जैसे कि आपको ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल, अगर आपके पास है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल का जो है एक दो बूंद इसमें आप ऐड कर सकते हो। ऐड करूंगी क्योंकि हमारे स्किन पे जितने भी पिगमेंटेशन दाग धब्बे हैं वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, इस वजह से मैंने विटामिन का कैप्सूल इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास विटामिन का कैप्सूल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, और अगर है तो आप इसे डाल सकते हो। और दूसरा चीज इसमें और ऐड करना है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है इसको ऐड करने से आपके स्किन पे, अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है तो मॉइस्चर का काम करेगा, मॉइस्चराइजर का काम करेगा, और थोड़ा सा आपका स्किन जो है अच्छा हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको डाल दिया है कि ड्राइनेस की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको, उनकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने डाला है। और आप देख सकते हो ये ऐसा बन के रेडी हो गया है फेस पैक हमारा। और इसमें ऐड करना है आपको एलोवेरा जेल, आपके पास जो एलोवेरा जेल है आपको एलोवेरा जेल इसमें डाल लेना है। और मेरे पास रोज एलोवेरा जेल है और मैं वही डाल रही हूँ। थोड़ा सा आपको डालना है, ज्यादा नहीं ऐड करना है इसमें। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें एलोवेरा जेल जो है इसमें डाल दिया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और आपको ज्यादा इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बस इतनी सी चीजों को आपको इसमें डालना है और आपका जो है फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फेस पैक बन के रेडी हो गया है, दो तीन चीजों को मैंने ऐड किया है और बहुत ही अच्छा आपको निखार मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा आपको ग्लो मिलने वाला है। इतना अच्छा आपको निखार मिलेगा कि आप बार बार आईना देखोगे और बार बार अपने चेहरे को देखोगे, इतना अच्छा आपको ग्लो मिलने वाला है इस फेशियल से। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको इस फेशियल को कैसे करना है मैं वो आपको बताती हूँ। तो आपके पास जो ये केले का छिलका होगा ना, आपको इसको ले लेना है, आपको छोटे छोटे टुकड़े में इसको अच्छे से अपने हाथ से कट कर लेना है। देख सकते हो मैंने तीन टुकड़ा कर लिया है इसका। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें जैसे मैंने एक लिया टुकड़ा, और इसमें मुझे जो आपके पास चीनी का पाउडर होगा ना वो उसको आपको इसमें डाल लेना है। आपके पास चीनी का पाउडर हो या फिर आपके पास इसमें चीनी का पाउडर डाल सकते हो या फिर भूरा आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपके पास भूरा नहीं है, जो दही में डाल के खाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो आपके घर पे चीनी जो आप यूज करते हो उसको आप थोड़ा सा पीस लो, उसके बाद इसको आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक दो बूंद विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। आपको विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है एक दो बूंद। आपको कैप्सूल लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने फेस पे इसको अच्छे से स्क्रब करना है। ये जो आपका जो अभी जो मैंने बना के रखा था ये आपका फेस पैक बन गया, ये आपका स्क्रब बन गया। आपका जो है पूरा का पूरा फेशियल जो है कंप्लीट होने वाला है। आपको इसको स्क्रब करने से पहले आपको फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है।
जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से अपने फेस पे इस केले के छिलके से अच्छे से आपको मसाज करनी है। कम से कम आपको 4 से 5 मिनट तक अपने फेस पे ऐसे ही मसाज करनी है और आपके जहाँ जहाँ दाग धब्बे की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करो। जहाँ आपकी छाइयाँ की प्रॉब्लम है या फिर आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ढीला पड़ गया है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रही हैं, तो ये जो है रेमेडी और ये जो फेशियल है और फेस पैक जो मैं बता रही हूँ इससे आपकी जो स्किन है बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा निखार आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो आपको अच्छे से इसको मसाज कर लेना है। पहले मैं इसको मसाज कर लेती हूँ अच्छे से 4 से 5 मिनट तक। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपने फेस पे इसको 4 से 5 मिनट तक मसाज कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फेस को नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेना है, फेस वॉश नहीं करना है, आपको नॉर्मल पानी से धो लेना है क्योंकि ये जो है स्क्रब का काम कर रहा है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से आप अपने फेस को अच्छे से धो लो। सकते हो मैंने अपने फेस को अच्छे से नॉर्मल पानी से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो ग्लो कितना अच्छा आ रहा है। और सिर्फ अब मैं इस पे सेकेंड स्टेप जो है वो फेस पैक का अभी मैं आपके सामने बताऊंगी उसको कैसे करना है। आपको इसको ले लेना है, आप चाहो तो इसको ब्रश से भी अप्लाई अपने फेस पे कर सकते हो और अपने हैंड से भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अपने हाथों से अपने फेस पे इसको अप्लाई करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आपको इसको ऐसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, हल्के हल्के हाथों से पूरे अपने फेस पे अच्छे से एज अ फेस पैक आपको इसको अपने फेस पे लगा लेना है और उसके बाद इसको आपको छोड़ देना है अपने फेस पे 5 मिनट तक। और 5 मिनट के बाद आपको फेस को अपने नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, जो भी इसको फेस वॉश यूज नहीं करना है, नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और ये जो मैंने फेशियल बताया है ये आप डेली नहीं करो, और आप इसको कब करना है आपको मैं बताती हूँ। आप इसको हफ्ते में एक बार दो बार इस फेशियल को ज़रूर से ज़रूर करना, आपको अगर बेस्ट रिजल्ट पाना है तो इस फेशियल को डेली नहीं करना है। और ये जो पैक है ना इसको स्टोर करके आप नहीं रख सकते हो क्योंकि ये केले से बना हुआ फेस पैक है और अगर आप स्टोर करके रखोगे तो ये तुरंत ही काला पड़ जाएगा और बहुत ही बेकार हो जाएगा ये। तो आप जब भी आप अपने फेस पे ये फेशियल करने वाले हो तब आपको क्या करना है, फ्रेश आपको केला लेना है और उस टाइम ही आपको बनाना है, उस टाइम भी सारा का सारा आपको यूज कर लेना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं इसको 5 मिनट तक छोड़ दूंगी अपने फेस पे और 5 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से मैं कर लूंगी अपने फेस को वॉश और मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हो रिजल्ट, मैंने 5 मिनट बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो, आप खुद ही बता सकते हो पहले और अब के मेरे फेस में डिफरेंस, बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। आपको इस फेशियल को क्या करना है, आपको हफ्ते में 2 बार आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना है। और जो भी फेस पैक मैंने लास्ट में जो यूज किया था, ये वाला जो पैक मैंने यूज किया था, इसको आपको स्टोर करके नहीं रखना है, नहीं तो ये खराब होगा। आपको जब आप फेशियल कर रहे हो तभी आप बनाओ फ्रेश और फ्रेश ही आप यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हफ्ते में आपको 2 बार इसको लगाना है और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, एक्ने पिंपल की समस्या, दाग धब्बे की समस्या और आपकी स्किन पे अगर रिंकल्स आ रहे हैं, आपका स्किन ढीला पड़ गया है तो इससे स्किन आपकी बहुत टाइट हो जाएगी और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और आप देख सकते हो मेरी फेस कितनी अच्छी ग्लो कर रही है, आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट है। जो भी मैंने अभी ये फेशियल करा है सारा मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है, मैं अपने स्किन पे करके दिखाई हूँ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे जरूर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।